अभी कनेक्टर हो गया है, अभी ऐड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, दबाना है, उसके बाद जो भी एक्स वाई जेड टाइप करके उसको सेलेक्ट ऑल देना है, उसके बाद शेयर शेयर पे आना है, यहाँ आपको जेंडर जेंडर पे आना है, जेंडर जेंडर खुला, हेलो और फिर से हेलो हेलो चेंजिंग सेटिंग्स दे रहा है, देना पड़ेगा चेंजिंग सेटिंग पे, हेलो मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, ओके यहाँ ऑप्शन परमिशंस कॉन्टैक्ट्स स्टोरेज ड्राइवर को कॉल करना, फिर से बैग आना पड़ता, और फिर से बैग, और फिर से बैग, अभी एग्जिट देना पड़ता, फिर से बैग ये मेरे में भी आया, आ गया ना सर ड्राइवर, फिर से बैग और आया, क्योंकि मेरे को निकालना ही है मेरा। आप यहाँ फोटोज स्लाइड करके फाइल्स तक आना है, फाइल्स तक आना है, देखो फ़ोन स्टोरेज दिख रहा है, अब मैं ओटीजी में लगा रहा हूँ, इसमें एक ऐप है MSA बाईपास ऐप, जो कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चलो मैं अभी ये ओटीजी केबल लगा रहा हूँ, चलो अभी हो गया, OTG कनेक्टेड है, थोड़ा इसको ऐसे वैसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे आके फिर से इसको शेयर और फिर जेंडर खोला, इसको स्क्रॉल करके यहाँ ऊपर आपको नज़र आएगा फाइल्स तक आना है, फाइल्स तक आना है, देखो आ गया SD कार्ड दिखाया, अभी इसको ओपन करना है, और इसमें MSA FRP बाईपास बाई टेक्सल, इसको ओपन करना है, आपको इंस्टॉल ब्लॉक्ड सेटिंग्स पूछेगा अननोन सोर्सेस का, तो सेटिंग में जाना है, और यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, अननोन सोर्सेस है ना, हेलो इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस, इसको एक्टिव करना है, और ओके एक्टिव हो गया, फिर से बैक आना है, फिर से इसको MSA को खोलना है, अब देखो इंस्टॉल बता रहा है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो रहा है, अब एक्सेप्ट दिए, अभी MSA बाईपास हो रहा है, देखो डन ऐप इंस्टॉलेड डन एंड ओपन अब आया, अब गूगल अकाउंट मैनेजर पे क्लिक करना है, चाहे फाइल वो इसका एंड्रॉयड वर्सन 5.0 होता है तो 5.0 लेंगे, 6.0 होता है तो 6.0 लेंगे, देखते हैं 6.0 में ले रहा हूँ, देखते हैं, तो इंस्टॉल हो गया, डन, अब बाईपास FRP पे जाना है, ब्राउजर साइन इन पे जाना है, अब यहाँ ब्राउजर साइन इन है ना, इस पे जाना है, ओके देखो आ गया साइन इन विथ योर गूगल अकाउंट, अभी आपको यहाँ कोई भी एक जीमेल अकाउंट डालना है, मैं अभी डालता हूँ, थोड़ा नीचे करो ना, ऐसे पकड़ो, देखो अभी मैं डालता हूँ DINESH DINESH डॉट
सी एच वाई ए आर वाई डॉट 619 एट द रेट ऑफ जी मेल छोड़ दे रहा है यार डॉट कॉम छोटे सर। चलो मैंने आज ही आप मेल डाल दिया। अब नेक्स्ट तुम्हारे पेन ड्राइव पकड़ नहीं रहा, पासवर्ड नहीं देखने का। मैसेज क्या आया? 624321। चलो 62 क्या है मैसेज? रुको रुको रुको, आएगा नहीं, कहाँ जाएगा? 624321 है ना? 624321 डन। वो तो मेरे में है, वो जीमेल अकाउंट का मैंने प्राइवेसी सेटिंग दिया है, आपको नहीं पूछेगा, आपकी होगी तो आपकी ही पूछेगा। हो गया, अभी कुछ नहीं करने का। बैक 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 बैक, फिर से फ़ोन को रिबूट करना चाहिए। देखो अभी रिस्टार्ट दे रहा हूँ। ओके स्टार्ट दे सकते हैं, तो बैक बैक भी आ सकते हैं वहाँ से। देखो अभी आया, वेलकम, नेक्स्ट, स्किप स्किप, अब आया ना स्किप का बटन, हाईलाइट हुआ। देखो अपने आप चेकिंग कनेक्शन, दिस कैन टेक अप टू 2 मिनट्स। अब आया अकाउंट एडेड, योर फर्स्ट अकाउंट इज़ रेडी फॉर यूज़, यू कैन ऐड एंड रिमूव अकाउंट लेटर सेटिंग। अब दिया नेक्स्ट, जस्ट ए सेक, वी हैव टू वेट फॉर ए सेकेंड फॉर फ्यू टाइम। देखो अभी आया ऐड अंदर अकाउंट, इसमें कुछ छेड़ने का नहीं, नॉट नाउ दे देते हैं। और नेक्स्ट, प्रोटेक्ट दिस डिवाइस, अनचेक एंड स्किप, स्किप एनी वे, फिर से जस्ट ए सेक, ऑलमोस्ट कंप्लीट, और हेलो हेलो, और गॉट इट। ये देखो FRP खुल गया। वीडियो को क्या करने का? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।